लालू परिवार में दोनों भाइयों के बीच सियासी विरासत का घमासान लगातार गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव जो महत्व अपना चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा है, जिससे वो लगातार नाराज हो रहे हैं। यहां तक कि तेज प्रताप यादव को मनाने के लिए उनकी मां राबड़ी देवी जब दिल्ली से पटना आई थी तो सीधे राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव के आवास पहुंची, लेकिन तेज प्रताप को राबड़ी देवी के आने की भनक लग गई और वो अपने आवास से निकल चुके थे। 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। जब लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे तो वही अब तेज प्रताप यादव को मना पाएंगे, कोई नया फॉर्मूला लाएंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव को मनाने का प्रयास उनकी मां राबड़ी देवी ने की, लेकिन अभी तक उनको मनाया ना जा सका है। जो उसमें कामयाबी है वो नहीं मिली है। अब लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि कल राबड़ी देवी दिल्ली रवाना हो गई। जब मीडिया ने राबड़ी देवी से सवाल किया कि क्या लालू प्रसाद यादव को लाने आप दिल्ली जा रही हैं, तो राबड़ी देवी ने कहा, लालू जी बीमार हैं और अभी बिहार नहीं आ सकते। लालू जी इलाज में हैं, जल्द आ सकते हैं बिहार? बिहार अभी नहीं आ सकते। ना मैडम जीतता है, पूरा जीतता है। हालांकि राबड़ी देवी ने यह जरूर कहा कि बिहार की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी और दोनों सीट हम जीत के रहेंगे। दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास पर रहकर 16 तरह की बीमारियों से लड़ रहे लालू के सामने पार्टी और परिवार की हिफाजत की बड़ी चुनौती है। जनता दल से अलग होकर करीब 24 वर्ष पहले 1997 में बनाई गई पार्टी को बचाने के लिए योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को आगे किया। लालू का यह फैसला उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप को रास नहीं आ रहा। प्रारंभ के 4-5 वर्ष तो वो चुप रहे, लेकिन अब स्वयं को दूसरा लालू बताकर विरासत पर कब्जे की कोशिश में है। परिवार की एकजुटता के लिए तेज प्रताप को पटरी पर लाना लालू की दूसरी प्राथमिकता है। लालू को एहसास था कि 11 अक्टूबर को जेपी जयंती के मौके पर जनशक्ति मार्च के दौरान तेज प्रताप पार्टी और परिवार के खिलाफ उल जलूल बोल सकते हैं। इसी आशंका को भांप कर उन्होंने आनंद फानन में जनशक्ति मार्च से महज कुछ घंटे पहले राबड़ी देवी को पटना भेजा, ताकि वे समझा बुझा कर बेटे को रास्ते पर ला सके। राबड़ी पटना हवाई अड्डे से सीधे तेज प्रताप के सरकारी आवास पहुंची, लेकिन उनके आने की भनक तेज प्रताप को पहले ही लग गई थी, लिहाजा उन्होंने पहले ही घर छोड़ दिया। ऐसे में मां बेटे की मुलाकात नहीं हो सकी और लालू का यह प्लान फेल कर गया। गुरुवार को राबड़ी देवी दिल्ली लौट गईं। तेज प्रताप यादव के बात व्यवहार को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे केवल अपने पिता की ही बात मान सकते हैं। वे खुद को सेकेंड लालू बताते रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के नाम पर ही अपना एलपी मूवमेंट शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी प्रमुख के पटना आने पर वे सबकी पोल खोलेंगे, सबके बारे में बताएंगे कि पार्टी और परिवार के लिए कौन कितना घातक है। ऐसे में अंतिम उम्मीद लालू प्रसाद यादव पर ही जा टिकी है। उनके आने के पहले तेज प्रताप यादव को मनाना किसी के वश की बात नहीं लग रही। तेज प्रताप यादव को समझाने को लेकर परिवार व पार्टी की उम्मीद भले ही लालू पर टिकी हो, लेकिन उनके बिहार आने पर ग्रहण लगता दिख रहा है। गुरुवार को राबड़ी देवी लालू के पास दिल्ली लौट गईं। इसके पहले पटना में उन्होंने स्पष्ट कहा कि लालू अभी बीमार हैं और अभी बिहार नहीं लौट सकते। ऐसे में तेज प्रताप का विवाद फिलहाल सुलझता नहीं दिख रहा।